हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम अबलो। सो गाइस, मैं उन बच्चों के बारे में आज बात करूंगा जो कि क्लैट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लीगल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वैसे बच्चों को उन्हें पता ही नहीं होता है प्रोसीजर कि हम एक लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, किस तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा। बहुत सारे बच्चे छोटे शहर से बिलोंग करते हैं और उसे पता ही नहीं होता है, उनके फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं प्रॉपर नॉलेज के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण, जानकारी के कारण। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को बताऊंगा कि क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, पूरे प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एडमिशन होने तक का प्रोसीजर इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आज वीडियो को जरूर अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है। एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा सिर्फ मेरी तरफ से कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना जरूरी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लैट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज जो है हमारा टॉपिक है क्लैट एग्ज़ाम एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, यदि उसके प्रोसेस के बारे में नहीं जानते, चाहे वो कोई भी आपका एफिडेविट बनवाना की हो गया, एक एप्लीकेशन लिखना ही क्यों नहीं हुआ, हर चीज़ का अपना अपना प्रोसीजर होता है, उन सारे प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। तो पहले आपको बताना चाहेंगे कि क्लैट जो है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इससे पता ही चल रहा है कि एडमिशन टेस्ट किस चीज़ के लिए, मतलब NLU में एडमिशन लेने के लिए, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने के लिए माय डियर आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम, क्लैट एग्ज़ाम, ओके, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। विदाउट गिविंग यू कांट टेक एडमिशन एनी कॉलेजेस, ओके, रिलेटेड टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इससे कनेक्टेड बहुत सारे यूनिवर्सिटी और भी होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जो कि बेस्ट टॉप कॉलेज में, टॉप कॉलेज जो होते हैं, आपको टॉप कॉलेज जी होता है वो आपको मिलते हैं यहाँ से। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो देखिए, एडमिशन जो होगा वो थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आपका जो एक कॉलेज हो गया, ठीक ना, जैसे कि ये एक कॉलेज है, ओके ना, चलिए बना लेते हैं कॉलेज ऐसा, ओके। तो इस कॉलेज में भाई आपको एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा एडमिशन, ठीक ना। बिना टेस्ट एग्ज़ाम, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हो। और अच्छे कॉलेज में पढ़ना, वहाँ का लाइब्रेरी, टीचर, फैकल्टीज, बुक्स, एक्सपीरियंस, वहाँ का एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत मायने रखता है। विदाउट, अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है, डेफिनेटली आप में जॉब सिक्योरिटी जरूर मिलता है, अच्छा प्लेसमेंट मिलता है कि आप जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी एक अच्छा कंपनीज में एक लीगल एडवाइज़र के थ्रू, लीगल एडवाइज़र के थ्रू आप काम कर सकते हैं, ओके, खूब याद नहीं, गलती हो जा रहा था इस, ओके। देखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका क्लैट के वेबसाइट में जाना है। देखिए, इसका अपना एक वेबसाइट होता है, ठीक ना, वेबसाइट जो होता है ऐसा, तो ये वेबसाइट जो होता है, वेबसाइट, इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भराता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है आपको पता होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट मैं के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो डॉक्यूमेंट भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट डेट्स, देखिए कोई भी इवेंट्स कब सब होने वाला है, ये सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हो रहा है। तो इवेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कब कब कौन सा हो रहा है, एडमिशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ठीक ना, आंसर की कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, एडमिशन डेट में क्या होगा, ये सारी चीज़ों के लिए आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, प्रिपरेशन जो है यहाँ पर, ओके, आपका प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, आपको कौन सा बुक्स लेना है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में कैसे आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, कोचिंग कौन सा करें, ये सारी चीज़ जो है आपको
कैसे पता चलेगा? एक गाइडेंस होगी, एक गाइड कोई आपको करेगा। तो हमारे चैनल विजडम अपलो पर मैं गाइड करने के लिए, आप सबों को मदद करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई। इसलिए प्रिपरेशन कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। आप प्रिपरेशन भी हो सके तो इस बार से मैं प्रिपरेशन भी कराऊँगा, ठीक है? चलिए, ये मेरी तरफ से ऑफर होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड में कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है एग्जाम के टाइम पे? तो एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना है वो आपको बताऊंगा मैं, ओके, वेबसाइट की मैडम से। उसके बाद एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम डेट जो है कब होगा, एग्ज़ाम उसके एग्ज़ाम से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें से आपको प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा। आंसर की कब आएगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपका कैसे आप आंसर की चेक कर सकते हैं कि आपने राइट बनाया है आंसर की, जो क्वेश्चन आपने राइट बनाया है रॉन्ग बनाया है, तो आंसर की कब आएगा इसका एक स्पेसिफिक डेट होता है, तो वो डेट भी आपको देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा, कैसे रिजल्ट चेक करोगे, सब मेरिट लिस्ट कब आएगा, अगर पास हो जाते हो तो उसके बाद कैसे मेरिट लिस्ट चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद काउंसलिंग आता है, काउंसलिंग में कौन कौन काउंसलिंग में कैसे अपीयर होना है, मैं कैसे काउंसलिंग लिस्ट जारी होगा, 1, 2, 3, 4 सेकेंड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, इस तरह का लिस्ट निकलता है, तो कैसे आपको चेक करना है वो भी आपको जानना जरूरी है, ओके। लास्ट में सबसे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि एडमिशन, इसी चीज़ के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, इसी चीज़ के लिए प्रोसीजर करना पड़ रहा है एडमिशन। तो ये आपका गोल है डियर, ठीक ना, ये आपका गोल है, इसी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपका सारी चीज़ें निकल जाता है तो आप एडमिशन लेते हो। तो एडमिशन में कौन कौन सा प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट क्या लगता है, कैसे जाना है, कैसे एडमिशन लेना है, ये सारी चीज़ें आपको जाना बहुत ज़रूरी है। तो इतना प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। एक क्लैट यूनिवर्सिटी NLU में एडमिशन लेने के लिए, क्लैट के थ्रू आप जाओगे तो NLU में एडमिशन लेने के लिए, आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इन सारी चीज़ें प्रोसीजर्स आपको गुजरना पड़ेगा, ओके। सो गाइस, मैं आप सबों को बता देता हूं कि अब हमारे चैनल पर आप सबों को बहुत सारे वीडियोस जो मिलेंगे क्लैट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट्स होगा स्टूडेंट, आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, ओके। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, सब प्रिपरेशन के लिए, ऐसा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपको भूल रहा था बताने, वो जो कि अभी बता देता हूँ, एप्लीकेशन डेट्स जो है इसका 14 नवंबर है, ठीक है, लास्ट डेट, तो आप लोग भर लीजिएगा जितना बचा है, 14 नवंबर, ओके, 14 नवंबर जो है ऐसा है, तो आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर में होने वाला है, ठीक ना, 18 दिसंबर में, ओके, 18 दिसंबर में होने वाला है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा, ओके ना। चलिए, ये जो 2022 में 2023 के लिए जो है आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 2022 में ही इसका एग्ज़ाम होगा, तो इस बात को मत भूलिएगा, ओके। हमारा पुराना चैनल जो था विजडम अपलो, जो चैनल डिलीट हो गया, उस पर मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे चुका था पहले भी, लेकिन आप चैनल डिलीट हो गया, नया चैनल है, तो आप लोग सपोर्ट करिए इसमें। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम अपलो के साथ। धन्यवाद।